हेलो फ्रेंड्स, अनु की रेसिपी में आप सब लोगों का बहुत बहुत से स्वागत है। फ्रेंड और मैं हूँ अनु, और आज की वीडियो हम एक सुबह की नाश्ता बनाएंगे जो आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, और ऐसे ही आसान तरीके से रेसिपी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, चलिए किचन में लेस। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने लिए है मैदा, अब हम इसमें डालेंगे घी। उसके बाद सरसों का तेल, नमक, सबको मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसे गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने मैदे को गूंथ कर डो तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हम इसमें तेल डालते हैं। तेज पत्ता, लहसुन पीसी हुई, जीरा पाउडर, हरी मिर्च पिसी हुई, हल्दी, गरम मसाले, नमक, अब हम इसमें ये आलू बॉईल करके और ग्रेट करके रखी हूँ इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ हमने उबले हुए अंडे, इसे भी हमने ग्रेट करके रखे हैं, इसे भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेने हैं।
नमक हमने पहले ही दिया है और थोड़े से नमक इसमें हम डाल देते हैं। तो ये मिक्सर हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। चलिए इसे हमने एक बड़े साइज के रोटी की तरह बेल लिए हैं। हम इसमें इस मिक्सचर को रखकर फैला देते हैं। ऊपर हम घी लगा देंगे थोड़े से। घी इस तरह से बंद कर देंगे अच्छे से। और तेल हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें इसे डीप फ्राई करते हैं। हमें इसे उलट उलट के पका लेने हैं। इसे हम निकालते हैं। चलिए फ्रेंड, बनके तैयार हो गई हमारी सुबह की एक स्वादिष्ट झटपट ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही आसान तरीके से रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।